हाय गाइस, बहुत ही वियर्ड बातें हैं जो आज आपको हम बताने वाले हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली हमने घर लिया है एंड 2-3 महीने हो गए हैं रहते हुए, बट कुछ वियर्ड चीजें हमने नोटिस की हैं जो लास्ट कपल ऑफ डेज में हो रही हैं। मतलब हमने नोटिस नहीं करी, प्रेरणा ने नोटिस करी है और फिर इसने मुझे भी बिलीव कराई दिया। जब मेरे साथ कुछ कुछ ऐसा हुआ इस घर में तो मुझे ऐसा लगा ये नहीं होना चाहिए था। क्या 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 क्या? क्योंकि ऑफ कोर्स यार, घर में रहना होता है, सोना होता है और अकेले, मतलब हर्ष जब नहीं होता ना मुझसे तो यहाँ बैठा भी नहीं जाता। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ जो अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ कुछ चीजें हो रही थी तो हमने सोचा कुछ रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, शायद हम आपको भी दिखा सके और शायद हम खुद को भी प्रूव कर सके कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे घर पर। एक दिन लेट नाइट जब मैं सो रही थी तो एकदम से बहुत ज्यादा वियर्ड आवाजें आने लग गई, और ये एक दिन नहीं हुआ, ये 2 दिन 2-3 दिन इसके साथ होता रहा। फिर मैंने हर्ष को भी फील कराया यार कि कुछ तो है गड़बड़ हमारे घर के साथ, बिकॉज ये रोज रोज वही आवाजें, वही मतलब ऐसे टक 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 करके कॉन्टिन्यूस, ऐसे कि जैसे कोई चल रहा है वहां पे छत पे, 3-4 ऐसे टक 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 ऐसे करके आवाजें आना और फिर बंद हो जाना। फिर मैंने रिकॉर्ड करा उस चीज को, दिखाते हैं आप। हर्ष हर्ष हर्ष, क्या हुआ यार? मेरी बात सुन, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ है यार। कहाँ, क्या? यार मैं इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर पता है मुझे आवाज आ रही है यार, टक 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 की। नहीं कोई भी आवाज नहीं। एक बार तो सुन यार, एक बार रुक, एकदम शांति से सुन। हर्ष, मैं ना ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को ना बहुत वियर्ड लग रहा है, 3-4 रातों से कंटिन्यूअसली यही हो रहा है, ठक ठक ठक। यार सो जा यार, परेशान मत कर। एक बार छत पे चलते हैं, देख के आते हैं यार, कोई है यार, क्या पता चोरी हो यार, यू नेवर नो। चल तो सही एक बार, मुझे डर, मुझे नींद ही नहीं आ रही यार। ऐसा कर तू रिकॉर्ड कर ले, मैं सुबह सुन लूंगा कुछ होगा। तू सो, मैं जा रही हूँ। अरे यार मैं भी चला हूँ। नहीं तू सो, ये क्या मतलब मजाक थोड़ी है, मेरे को नींद नहीं आती यार। रुक एक सेकंड, मैं फोन की लाइट मार। रात में क्यों परेशान कर रही है, कुछ नहीं है यार। यार तू साइड हो प्लीज यार, जल्दी चल, लाइट ऑन कर रही है। चल ऑन कर दे यार। हर्ष मुझे वहां पे कुछ दिखा पता है? आई थिंक आई सॉ समथिंग यहाँ पे। अरे तेरी खुद की रिफ्लेक्शन है यार, क्या यार। यार यहाँ पक्का कुछ था हर्ष। पर चल यार कुछ। गॉड दिस इज डैम स्केरी यार। धीरे आराम से यार, लाइट नहीं है, हमें लाइट नहीं है, कुछ ऑन कर। कुछ भी तुझे आवाज नहीं है भी नीचे? पर तुझे नीचे आवाज नहीं है ठक ठक की? ये कपड़े गिरे हुए तो और कुछ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बता, ये कपड़े कैसे गिर गए? यार हवा से गिर जाते कपड़े। मुझे लगता है कुछ तो होगा यार, तेरे को सोने की पड़ी है यार। ये मेरी बात को ना सीरियसली नहीं ले रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या है, मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता। तो गाइज आपने नोटिस करा, आपने भी सुनी होगी कुछ बहुत ही ज्यादा लो इंटेंसिटी की आवाजें, और मुझे ऐसा भी लगा कि बालकनी में मैंने कोई रिफ्लेक्शन देखी, बट पता नहीं यार, मतलब हो सकता है वो मतलब आंखों का धोखा है या यार कुछ हमने है। देख वीडियो बनाई है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन थी तो फिर वो तेरी आंखों का धोखा था प्रेरणा। छत पे भी तो कोई नहीं था ना? तो छत पे तो कोई नहीं था, बट स्टिल यार मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। उसके बाद जो हुआ वो तो और भी स्पूकी था यार। एक दिन रैंडमली टेरेस पे हमारा जो हाउस हेल्प है वो गई, गेस व्हाट, वो वापस आती है हमारे साथ इतने बड़े बालों के गुच्छे के साथ। मैंने तेरे को बालों वाली बात तो पहले ही बताई थी कि उनको छत पे बाल मिले थे और उनको पक्का ऐसा लगा किसी चुड़ैल के बाल है। हर्ष मैं देखो बोल रही थी ना, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, आंटी पता नहीं है क्या कह रही है, और कल भी कह रही थी क्या आंटी क्या हो गया, छत पर झाड़ू लगा रहे थे तब बाल मिला है छत पर, इसको जाके दिखाओ कोई भूत पलित तो नहीं है। ये देखो बेला भी भागने की कोशिश कर रही है, मेरे हाथ से बालों को देख के छुड़वा रही है। ये क्या है यार, व्हाट इज दिस यार, ये नॉनसेंस, बाल कहाँ से? बेटा 2-3 बार हुआ है। आई तो स्ट्रॉन्गली बिलीव कि हो सकता है कि हमारे किसी नेबर्स हो या कहीं भी किसी और टेरेस से किसी ने फेंक दी हो यार। उसके बाद जो हुआ, ओ बाय गॉड, मेरे ना मतलब अभी यहाँ तक सांस अटक जाती है वो सोच के। पता नहीं इसने मुझे बोला कि पता नहीं कुछ सीढ़ी लेके आनी थी, और वो एक अलग सा ही हमारे घर का पार्ट है, हमने आज तक आपको दिखाया भी नहीं, हम खुद भी वहां नहीं गए। वहां सीढ़ी पड़ी होती है और मुझे वहां क्या मिलता है, एक इतनी बहुत ही ज्यादा स्पूकी डरावनी भाई, बहुत ही ज्यादा भयंकर डॉल। यार मेरे को लगता है ये जब हमारा घर बना था ना उस टाइम किसी ने वहां पे फेंक दी होगी,
फटी पुरानी डॉल होगी, उन्होंने कहा कोई यूज की चीज है नहीं, तो स्टोर वाली साइड में फेंक दिया होगा। इसमें डरने वाला कुछ नहीं है बेटा। नहीं नहीं, बट एक बात बता, इतने सारे बंदों ने वहाँ पे पेंट किया, सब कुछ किया, तो उनको नहीं दिखी वहाँ पे वो डॉल है। मुझे बहुत डर लगता है, स्पेशली ये जो ये पापी गुड़िया टाइप चीजें हैं ना, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। अब कोई वो लॉरेन और एड तो हमें बचाने आने नहीं वाले, अगर एनाबेल जैसी ये डॉल निकली और इसने कोई जादू टोना करा तो मैं क्या करूँ। व्हाट द हेल, ये क्या है और ये कहाँ से आई? ये मेरे घर का एक अजीब सा हिस्सा है और पता नहीं, मतलब मैं खुद यहाँ पे नहीं आती, यहाँ सिर्फ एक सीढ़ी और ये बैग्स पड़े होते हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि हर्ष को बता सकूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे ये चीजें हैं। यार क्या हो रहा है, कभी बाल कभी ये डॉल, ये मैं इसको हाथ भी लगा रही यार। हर्ष हर्ष हर्ष, यार कोई वुडू वुडू मैजिक तो नहीं कर रहा ना हमारे पे? ये एकदम यहाँ से खुला है बिल्कुल ना, तो मुझे लग रहा है यहाँ कहीं, ये देखो पूरा क्रैक है दीवार में, किसी ने फेंक भी नहीं सकता क्योंकि सारा जंगला है, कैसे कोई यहाँ पे फेंकेगा? क्या हुआ ये यार, ये देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है ये देख, क्या डॉल इधर क्या हो गया? ये देखो सिर्फ डॉल दिख रही है, ये मेरी डॉल नहीं है पता है, ये कहाँ से आई है, तूने रखी है यहाँ पे? अच्छा अपने आप ही, मुझे क्या पता यार, इस हिस्से में कभी आए नहीं है और आई डोंट नो कहाँ से क्या हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ सीढ़ी लेने आई और मेरे को यहाँ पे ये डॉल मिलती है, मैं इसको हाथ बेन लगा रही, मुझे अपने मम्मी पापा से अब बात करनी पड़ेगी। यार क्या पता कोई मैजिक वूडू वगैरह कर रहा हो यार, ये इतने हल्के में कैसे ले सकता है यार, मैं मुझे बिलीव नहीं होता, कभी बाल मिलते हैं कभी ये सब मिलता है। मुझे लगता है हमें कैमराज लगाने चाहिए घर में और रिकॉर्ड करना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कोई हमसे पंगे ले रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बेला कितना ज्यादा बात करती है यार, रात को दिन को, आजकल कोई टाइम पे भी बात करने लग जाती है, वैसे कभी नहीं बात करती, अपने आप ही रैंडमली कभी भी शुरू हो जाती है, बहु 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 बहु। एक बार फिर बहुत गाइस, बेला डर भी रही है, पता नहीं क्या कर रही है, इतना क्यों चुप ही नहीं हो रही गाइस। बेला बेला क्या हुआ, क्या हुआ बेला? बेला किस पे भौंक रही है, किसी कुत्ते की आवाज भी नहीं है बाहर। तू कौन है बाहर? मुझे लगा तेरे को देख के होती है वो ऐसे। हाँ कोई नहीं हर्ष, ये ना सब मजाक की बातें, ये सही नहीं है, मैं बता रही हूँ, तू तो यार ये कितना हल्के में ले रहा है यार मेरे डर को। मेरे को थोड़ा सा बिलीव तब हुआ था जब तेरे साथ वो लास्ट इंसिडेंट हुआ। देखो एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि हमने अपने घर पे जब घोस्ट रडार ऐप चलाई थी तब भी कुछ गड़बड़ है, कुछ दो तीन बार भूत की ऐसे उसने प्रेजेंस बताई थी, कुछ भी हो सकता है हर्ष। यार मेरे को ना बिलीव नहीं होता ऐसे ऐप वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमें अपने ना बड़ों से बात करनी चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए कि क्या एक्शन लेना चाहिए, पाठ वगैरह कोई हवन कुछ भी ऐसा यार जिससे यहाँ पे अगर मैं तो सोच रहा हूँ एड और लॉरेन को बुला लेते हैं, वो तेरे लिए जरूर आएंगे यार। नहीं यार मेरे को तेरे पे बिलीव है, ऐसा कुछ नहीं है सीरियसली। ओके गाइस, तो सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा बिलीव मुझे इस चीज पे तब हुआ कि हमारा घर हॉन्टेड है, जब हर्ष ने फाइनली मेरी बात को मानने की कोशिश करी और एक कैमरा लगाया रात को कि हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर कोई भी छोटी मोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी तो वो कैप्चर हो जाएगी। एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं अभी भी सोच रही हूँ तो मैं मतलब समझ नहीं आ रहा मैं रोऊं या हंसूं क्या करूं। भाई मैंने रियली फील किया कि थोड़ी सी चद्दर हिली, पता नहीं हो सकता है भाई एसी पंखा कुछ भी हो। नहीं यार उस दिन तो मेरे को भी बिलीव हुआ है कि कुछ ना कुछ है घर में, चद्दर प्रॉपर प्रेरणा के से नीचे सरकी है यार, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इस घर में, मैं सीरियसली कह रही हूँ कि हमें किसी से बात करनी चाहिए। लेट्स सी दिस वीडियो, मैं यहाँ पे गोप्रो प्लेस कर रहा हूँ। ओके ठीक है ओके, आई जस्ट होप कि इसमें कुछ भी ऐसा ना रिकॉर्ड हो जो हम देखना नहीं चाहते। अब तेरे दिमाग पर सुकून पड़ जाएगा, कुछ है या नहीं है तेरे को सब पता लग जाएगा, तो प्लीज मुझे सोने दियो, सुबह उठ के रिकॉर्डिंग देखेंगे क्या हो रहा है। Thank you.
प्रेरणा ये वीडियो बंद कर यार। Guys, something is really off here. मैं रिकॉर्ड करता हूँ। एकदम से लाइट क्यों हो रही है? क्या हो रहा है? कंट्रोल प्रेरणा कंट्रोल, सांस ले ले, थोड़ा सांस ले ले। मुस्कान तू भी आ जा बाहर। एक्चुअली प्रेरणा, हम सब ने ना एक हफ्ते से तेरे पे मिलके प्रैंक किया है। ये सारे सेटअप ना मेरे करे हुए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इधर तो आ, तेरे को सारी कहानियों, तेरे को सारी स्टोरी तो रिवील करें। मैंने तेरे पे ना गिनती के 2-3 प्रैंक किए और तूने मेरे साथ जो ये किया है ना, मैं इसका इतना गंदा बदला लूंगी और इतना गंदा बदला लूंगी। तू याद रखेगा, तू इतना ज्यादा रोएगा ना कि तूने प्रैंक किया क्यों मुझ पे, याद रखियो। मैं आप सबको दिखाता हूँ ये हम सब ने मिलके कैसे किया। मुस्कान तूने कुछ नहीं करना, इसको ले पकड़ वाइपर को, ठक ठक नीचे मार मार के चलियो। एक बार चल के दिखा। हाँ बस बस, इसी लोकेशन में प्रेरणा सो रही होती है, बस ऐसे ठक ठक मार के चलती रही हो। और पता क्या करियो, जैसे हमारे पैरों की आवाज़ आए ना, तो इसको ना स्टैंड को गिरा दियो, कपड़ों के स्टैंड को गिरा दियो, ताकि मैं उसे कह दूँगा कि कपड़ों का स्टैंड गिरा ना, इसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी। बिल्कुल ऐसे ठक ठक करके। हाँ दोस्तों, आज होगी प्रेरणा पे शॉक ट्रीटमेंट। ये मैं इतनी सुंदर सी गुड़िया लेके आया, इसको फाड़ा फूड़ा भूतिया लुक दिया है, और इसको रख के आएंगे हम एक सीक्रेट प्लेस पे। प्रेरणा जरूर जाएगी उस जगह पे, वो भी मेरा एक सेटअप है, क्रिएट करेंगे और तब मिलेगी प्रेरणा को ये डॉल। मुस्कान, आज रात का फाइनल हो गया है हमारा कैमरा लगाने का। तूने कुछ नहीं करना, कैमरा लगा होगा वहाँ पे, ठीक है? तूने बताया करना है, बस रात में धीरे धीरे जाना है और चद्दर खींचनी है। बिल्कुल ऐसे 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 जाना है, और प्रेरणा इस साइड होती है, यहाँ से चद्दर खींच ली। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग, जस्ट बिकॉज तुझे मुझे डराना था, प्रैंक करना था। इतना गंदा प्रैंक करूंगी ना तेरे पे, याद रखेगा जिंदगी भर। कुछ नहीं कर पाएगी अब, पता है? अभी मैं बता रही हूँ, रिवेंज होगा। गाइस, मैं बता भी नहीं सकती मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं 5-6 दिन से ये सोच के सोती हूँ कि यहाँ पे कोई भूत है, कोई आत्मा है, कोई प्रेत है। मुझे नहीं पता था यही प्रेत है। और सबसे बड़ी बात, सब ठीक था, पर दुख तो मुझे इस बात का लगा है कि तुझे इतना लो बजट कच्चे वाला भूत मिला था मुझे डराने के लिए। तो गाइस जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्रेरणा में प्रैंक्स करने में बहुत आता है मजा। डू शेयर सब्सक्राइब वॉन्डर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।